कृषि मानी जाती है हम लोगों के सनातन धर्म में, और हिंदू लोग खास करके इस तिथि पर बहुत अपने धन धान्य के बढ़ाने के लिए भी पूजा करते हैं। और भगवान परशुराम जिस युग में अवतरित हुए वह युग आज के युग से अलग था, और मैं यहाँ फिर दिनकर की तरह यहाँ भी कहूँगा कि हम लोगों को भगवान परशुराम में आस्था तो है, राम में आस्था है, कृष्ण में आस्था है, और सभी भगवानों में हम लोगों की आस्था है, लेकिन उस आस्था को और मजबूत करने के लिए भगवान परशुराम की जिंदगी को, जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो उन्होंने अत्याचारियों को मिटाया है, और अत्याचार से मिटाने के लिए जिस धरती को पुनः उन्होंने दान के रूप में दे दिया, इन चीज़ों को समझने के लिए उनकी जीवनी को भी हम चाहेंगे। भाई अजीत जी से मैंने इनको कल आग्रह किया था कि हम लोगों को एक उसकी किताब, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी की किताब है, वो शिक्षा मंत्री भी कभी महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं, बड़े लेखक बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने लिखा है बहुत आधिकारिक तौर पर, इसलिए हम सब लोगों को आओस में अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो उनकी संगठन क्षमता कैसे थी। कोई जात का इकट्ठा उन्होंने नहीं किया, गरीब लोगों को इकट्ठा किया, जो वंचित लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करके, जैसे राम ने रावण से युद्ध के दरमियान में जो अत्याचारियों को मारते हुए और जो लंका का विजय किया, उसी तरीके से महिष्मती में अभी जाइएगा आप, उज्जैन बगल में महिष्मती मिलेगा, और वहीं का शासक अहिरावण था, जिसको सहस्रार्जुन भी कहा जाता था, उसका उन्होंने अंतिम रूप से वध किया, और भी पिछले समय में और भी राजाओं को उन्होंने कालकुंठित किया था। इसलिए हम आग्रह करेंगे आज के इस पावन धरती पर भी और पावन समय पर भी कि भगवान परशुराम से हम लोग शिक्षा लेते रहें और आगे भी हम लोग बढ़ते रहें।